जादूगर, एक इमोशनल फिल्म। जी हाँ दोस्तों, इमोशन से बहुत ही ज्यादा भरी हुई है ये फिल्म। और इस फिल्म में हमें देखने के लिए लीड में कौन मिलने वाला है? जी हाँ, जीतू भैया, जितेंद्र कुमार हमें इस लीड रोल में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अगर आपने ट्रेलर अभी तक देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो करना ये होगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाके देख लीजिएगा। मैंने इस ट्रेलर को देखा और मैं बताने वाला हूँ क्या होने वाला है इस फिल्म का हाल। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो में बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मीनू और मैं सबकी रातों की नींद छीन हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आ गए हैं जितेंद्र कुमार हमारे सामने, उर्फ जीतू भैया। देखिए जीतू भैया की हमने बाकी कलाकारी तो देख ली है, पंचायत सीज़न 1 सीज़न 2 और भी TVS के काफ़ी सारे एपिसोड में, बट इस बार वो फिल्म को लेके आने वाले हैं हमारे बीच में। और इस फिल्म में मैं सच बता, मैंने ट्रेलर देखा, देखो इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा भयंकर या फिर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं दिखा, बट यार इस ट्रेलर में ऐसा कुछ था जो आपको इस ट्रेलर से कनेक्ट करके रखता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एवरेज ट्रेलर एवरेज था बट कनेक्शन इस ट्रेलर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे कि इस फिल्म की स्टोरी थोड़ी समझा दी गई है कि मतलब एक इंसान रहता है जो जीतू भैया है, मतलब उनको फुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा फुटबॉल से भागते रहते हैं, और बट उनको उनकी जो रुचि होती है वो जादूगर की तरफ होती है, जादू ही मतलब वो जादू करना पसंद करते हैं। बट उनको एक लड़की से मोहब्बत होती है और उस लड़की को फुटबॉल पसंद होता है, और ऐसी कुछ कुछ कहानी है उनकी, तो आपको फिल्म में देखने के लिए मिल जाएगी। और फिल्म कहाँ देखने के लिए मिलेगी? फिल्म आपको देखने के लिए मिलेगी नेटफ्लिक्स में। जी हाँ दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, और कब रिलीज होगी? यह होगी 15 जुलाई को। 15 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होने वाला है, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। स्टार कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जीतू भैया तो खुद हैं, उनके साथ साथ हमें आरुषि शर्मा देखने के लिए मिलने वाली है, साथ में जावेद जाफरी देखने के लिए मिलने वाले हैं, मतलब जावेद जाफरी उनके कोच का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिल्म देखो, जितना मैंने ट्रेलर देखा और मुझे समझ में आया तो मुझे फिल्म काफी ठीक ठाक लगी, मतलब थोड़ी मोटिवेशनल है, थोड़ी इमोशनल टाइप की फिल्म लगी, मतलब एक एवरेज फिल्म है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसे देखना जरूरी है, मतलब क्योंकि अच्छी रहेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसको देख सकते हो। हाँ ये अगर थिएटर में रिलीज होती तो शायद मैं ना कहता आपको जाके देख के आने के लिए, बट हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रिलीज होगी तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आपको ये फिल्म देखनी है तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, हमको मेरे को इंस्टाग्राम में DM करिए, मैं बताऊंगा आपको ये फिल्म फ्री में कहाँ देखने मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।